आज के स्टूडियो में बात करेंगे वीवो T1 4G जो डिवाइस है, इस डिवाइस के लिए फाइनली यहाँ पर दिसंबर मंथ के न्यू अपडेट को रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया है। अपडेट का न्यू वर्जन क्या देखने को मिलता है, अपडेट की साइज क्या देखने को मिलती है और अपडेट के साथ में क्या कुछ नए चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा। वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखिएगा ताकि दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं वीवो T1 4G डिवाइस के न्यूट के बारे में। सबसे पहले आपको अपने डिवाइस सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद सॉफ्टवेयर पर क्लिक करना है। वहां पर आप क्लिक करोगे राइट टोकन पर सेटिंग आइकन देखने को मिलेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। ट्रायल वर्जन पर क्लिक करना है और वहां पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं। फर्स्ट में आपको न्यू वर्जन ट्रायल देखने को मिलता है, तो आपको यहाँ पर नो अपडेट अवेलेबल देखने को मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको अपडेट अवेलेबल देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पर आपको डाउनलोडिंग लगा देना है। वहाँ से डाउनलोड पर लगाने के बाद आपको सॉफ्टवेयर के फ्रंट स्क्रीन पर आपको यहाँ पर अपडेट शो हो जाएगा, तो डाउनलोड करके इसे इंस्टॉल कर लेना। बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो अपडेट वर्जन है A_13.1.16.4 देखने को मिलता है और अपडेट की साइज 254 MB के आसपास देखने को मिलती है। और सिस्टम में बात करें तो दिसंबर मंथ के गूगल लेटेस्ट सिक्योरिटी पेच आउट को प्रोवाइड किया गया है। इस अपडेट के साथ में आपके डिवाइस में जो छोटे मोटे इश्यू देखने को मिल रहे थे और रनिंग स्पीड को और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया गया है, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे चेंजेस हुए हैं। तो आप भी यहाँ पर फटाफट से अपडेट कर लीजिएगा। जिन्हें इसको अपडेट मिल गया वो यहाँ पर कमेंट करके कमेंट में बता दें कि हमें अपडेट मिल गया, और जिन्हें नहीं मिला तो आपको विदिन 5 वर्किंग डे का वेट कर लेना है, आपको भी बहुत जल्द ये अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सपोर्ट करना। आगे भी अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आऊँगा। तो इस वीडियो में इतना ही था।